1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर वॉर मेमोरियल धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने की। इस दौरान वार मेमोरियल के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान शहीदों को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। एक्स जनरल मेजर कुलवंत सिंह ने कहा कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। आज के दिन भारत ने बांग्लादेश बनाया था और पाकिस्तान के 93,000 कैदियों को बंधक बनाया था। हमें आज के समय में पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी सावधान रहने की जरूरत है। मैं मेजर जनरल कुलवंत सिंह निज्जर रिटायर्ड यहां का रहने वाला हूं। आज का दिन विजय दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पछाड़ कर बांग्लादेश एक नया देश क्रिएट किया था, जो कि 14 दिन के अंदर ही हमने जंग जीता। हमने पाकिस्तान के तकरीबन 1,00,000 प्रिजनर ऑफ वॉर कैप्चर किए थे, जिनको हमने फिर शिमला एग्रीमेंट के हित छोड़ दिया। ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी जीत थी और इस साल उस जीत को हमें 50वें साल की सेलिब्रेशन शुरू हुई है। हमें अपने जो शहीद थे उनके ऊपर गर्व है और हमारा देश का और हमारा हक बनता है उन शहीदों के परिवारों को हम देखभाल करें और उनको इज्जत दें। पाकिस्तान जो हमारे देश में जंग लड़ रहा है इंसर्जेंसी की, उसमें पाकिस्तान को भी रियलाइज़ कर देना चाहिए उसको फ़ायदा होगा नहीं कोई, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी हमारा देश का एक हिस्सा बन गया है और हमें अभी सतर्क रहना चाहिए पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना से, जो कि हमने देख लिया ईस्टर्न लद्दाख के अंदर उन्होंने कुछ बदमाशी करने की कोशिश की थी जो हमने उनको करने नहीं दी। तो हमारे देश को भी सतर्क रहना चाहिए पाकिस्तान से भी और चाइना से भी, उसके लिए हमारी जो फौजें हैं और हमारा देश है वो पूरी तरह से तैयार है।